जिसने किया है बिहार का कायाकल्प उसका नहीं है कोई विकल्प, और पूनम जी ने लिया है संकल्प, पूनम जी ने लिया है संकल्प खगड़िया का करेंगे कायाकल्प। नाम किया है पूनम यादव, इनके जोर में कोई है ही नहीं है, और कोई कैंडिडेट का हम नामो नहीं जानते हैं, कांग्रेस से के खड़ा है नहीं खड़ा है उसको पहचानबो नहीं करते हैं, इसलिए भारी बहुमत से जीत रही है पूनम यादव, इसका जोर नहीं है। मैं उनके कार्य के पूरे खगड़िया जिला में आज तक श्रीमती पूनम यादव की तरह विधायक नहीं हुआ। श्री यादव 15 साल दिखा दिए सरकार, अब उनका सरकार फिर से आने वाला नहीं है, और खगड़िया में खास करके पूनम यादव को हराने वाला कोई मायका लाल नहीं पैदा हुआ। नहीं, उनका हम नाम चिन्ह बोन करते हैं कौन कौन सा उम्मीदवार है नहीं। पूनम यादव क्यों बहुत ज़्यादा काम की है, और शेरनी है शेर की तरह बोलती है, गरजती है। वो वंशवाद का सरकार है, वंशवाद का सरकार है। नीतीश जी तो किसी अपने परिवार में तो किसी को टिकट नहीं दही, MLA नहीं बनाए, लेकिन वो लोग तो रघुवंश बाबू ऐसे आदमी को जो बिछड़ा दिए, तो आप क्या कहते हैं? गोर लगने का मतलब जानते हैं, ये काटेंगे वोट दीजिए अगला बेर काटेंगे। हाँ, खगड़िया विधानसभा ही नहीं बल्कि खगड़िया जिला के चारों विधानसभा से NDA जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त लाइव सीरीज की टीम बिहार में किसकी सरकार बनेगी जानने के लिए खगड़िया विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। हम लोग खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के ही एक मार्केट में मौजूद है, जहाँ से लोगों से जानेंगे कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में खगड़िया की जनता किसकी सरकार बनाएगी बिहार में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कायमुद्दीन है, खगड़िया के रहने वाले हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है माहौल, कौन जीत रहा है इस बार? मैं नीतीश जी के कार्यकाल को मैं आज से नहीं, मैंने उनके 3.5 साल कार्य को भी देखा, उन्होंने 3.5 साल के कार्य में पूरे बिहार से आवाम को बुलाया था, मैं उनके मीटिंग में शिरकत किया था, उन्होंने अपने 3 साल कार्यकाल के बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश जी, आपने जो 3.5 साल की बात मैं बोल रहा हूँ कि जो कार्य किए हैं, यहाँ हर जमात के लोग, हर समुदाय के लोग बड़ा अपना इत्मीनान की जिंदगी महसूस। पूनम यादव जो विधायक है, मैं पूनम यादव के साथ आज से नहीं, मैं श्रीमती पूनम यादव के साथ 1990 से चल रहा हूँ। उनके कामों से खुश हैं आप? मैं उनके कार्य के पूरे खगड़िया जिला में आज तक श्रीमती पूनम यादव की तरह विधायक नहीं हुआ। जिस क्षेत्र में जाए, जहाँ जाए, माननीय श्रीमती पूनमा यादव, किसी खगड़िया के मुसलमान RJD के साथ नहीं है। जी नहीं, नीतीश जी के साथ हैं, श्रीमती पूनम यादव के साथ हैं। इस बार भी उनको अपार बहुमत से माइनॉरिटी लोग, हम खुश होकर उनके क्रियाकलाप पे सारे लोग उनको वोट दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत चौधरी। क्या लग रहा है माहौल, कौन जीत रहा है? यहाँ से पूनम यादव जीत रहा है। पूनम यादव काम से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, पूनम यादव 1990 से ही हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और आगे भी रहेंगे, और इनके काम से हम लोगों का इतना दिल भरता है कि आज किसी को सुई भी दर्द होता है, पूनम यादव वहाँ खुद पहुँच जाती है अपने आप एक आवाज़ पर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुशासन की सरकार बिहार में है। तेजस्वी यादव 15 साल दिखा दिए सरकार, अब उनका सरकार फिर से आने वाला नहीं है, और खगड़िया में खास करके पूनम यादव को हराने वाला कोई मायका लाल नहीं पैदा हुआ और नहीं पैदा होगा। क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम, इस्माइलपुर गरुआ। इस्माइलपुर गरुआ जी। कौन जीत रहा है इस बार खगड़िया से? पूनम देवी। पूनम यादव। पूनम यादव। नीतीश जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? जी हाँ, नीतीश कुमार से खुश। आपके लिए काम किए कुछ? नहीं, मैं पर्सनली मैं अपने लिए नहीं सोचता हूँ, हमारे समाज का काम हो इसके लिए मैं सोचता हूँ, हमारे इलाके का काम हो इसके लिए मैं सोचता हूँ, हमारा विधानसभा का काम हो इसके लिए मैं सोचता हूँ, अपनी काम के लिए नहीं सोचता। जी आपका क्या नाम हुआ? नाम केशव चौधरी, रहीमपुर। रहीमपुर। पूनम यादव ने काम किया आप लोगों के लिए? बहुत काम किया है, और हम उनके साथ में करीब 1990 से, उससे पहले भी हैं, अच्छा विधायिका जी हैं और अच्छा काम करती हैं और करते रहेंगे, बड़ा बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं जीतेंगे? नहीं, उनका हम नाम चिन्ह बोन करते हैं कौन कौन सा उम्मीदवार है, नहीं पहचानते हैं? नहीं, पहचान बोन करते हैं, नहीं जीतेंगे, जो जीतने वाला है उसके लाइट में तो लोग हो कर रहा है पूनम देवी के साथ में, और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। आपके लिए काम किया नीतीश जी कुछ? नीतीश पर्सनल काम हमने के बहुत बिहार के लिए काम किए हैं, तो हमको भी काम किए हैं आपके लिए। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ तरुण कुमार सिंह। क्या लग रहा है माहौल इस बार खगड़िया का, कौन जीत रहा है? पूनम यादव। क्यों? बहुत ज़्यादा काम की है, और शेरनी है शेर की तरह बोलती है, गरजती है, जब बिहार विधानसभा में बोलती है तो TV में पूरा जनता इनका देखने के लिए मेला लगा हुआ रहता है।
और जो काम किया है पूनम यादव, इनके जोर में कोई है ही नहीं है। और कोई कैंडिडेट का हम नामों नहीं जानते हैं, कांग्रेस से के खड़ा है नहीं खड़ा है उसको पहचानबो नहीं करते हैं। इसलिए भारी बहुमत से जीत रही है पूनम यादव, इसका जोर नहीं है। तो आप लोगों के जो कुछ दिन पहले साथ थे चिराग पासवान, वो भी अपना उम्मीदवार उतारे हुए हैं, इसका कोई जोर नहीं है। सबका जमाना जब्त है, जमानत जब्त है, समूचा का जमाना जब्त है, इनके जोर में कोई है ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल यादव नाम। कौन जीत रहा है खगड़िया से? पूनम यादव जी जीतेंगे। क्यों? इसलिए काम किया है, ऊपर नीचा सगर काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रहे हैं, माननीय विधायिका महोदय भी काम कर रही है, मान सम्मान हर एक तरह के काम कर रहे हैं, इसलिए जीते जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुशासन की सरकार है बिहार में, कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो वंशवाद का सरकार है। वंशवाद का? हाँ, वंशवाद का सरकार है। नीतीश जी तो किसी अपने परिवार में तो किसी को टिकट नहीं दें, MLA नहीं बनाए, लेकिन वो लोग तो रघुवंश बाबू ऐसे आदमी को जो बिछड़ा दिए, तो आप क्या कहते हैं? हम लोग आधा यादव वोट देंगे पूनम यादव को, मेरा दावा है। लालू यादव को नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे? नीतीश जी से मेरा बहुत काम हुआ, बहुत सहायता मिला, तो हम लोग उसी के साथ रहेंगे और हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। क्या लग रहा है माहौल खगड़िया से, कौन महागठबंधन या NDA? जिसने किया है बिहार का कायाकल्प उसका नहीं है कोई विकल्प, और पूनम जी ने लिया है संकल्प, पूनम जी ने लिया है संकल्प खगड़िया का करेंगे कायाकल्प, फिर दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, महागठबंधन वगैरह कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं है, उनका खुश है नीतीश जी काम से? एकदम खुश है, खगड़िया से जीत रहा है NDA। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद जाउल है। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? NDA की सरकार होगी। मुसलमान भी NDA के साथ है? बिल्कुल NDA के साथ है, इसलिए कि मुसलमान का सबसे पहला काम जो भागलपुर दंगा हुआ था, जो कांग्रेस के लिए कलंक था, उसको जो है चुनचुन यादव को जो है जेल के अंदर डालने का काम किया, और 42 आदमी को डाला जो दोषी था, और सबको जो है सम्मान मिल रहा है वहाँ, और क्षतिपूर्ति जितना हुई थी उसका उन्होंने पूरा किया दंगा का। तो इससे अच्छी सरकार क्या हो सकती है, जो भाजपा के साथ नीतीश कुमार जो बिहार का रहनुमा है, उन्होंने जो काम किया मुसलमानों के लिए, 1600 मदरसा को उन्होंने मंजूरी दिया है, और उसके बाद जो है बहाली में न तो वो हिंदू देखते हैं न मुसलमान देखते हैं, बल्कि हर जात हर वर्ग हर समुदाय से लोगों को जो है वो विकास की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नीतीश कुमार जो है बिहार को क्या कहते हैं कि स्मार्ट देहात बनाने का काम कर रहा है, हर जगह जल है, हर जगह नल है, और उसके बाद कवर वायरिंग का जो है हर जगह जो है बिजली का बल्ब पहुंचाने का काम किया, जहां अंधेरा था वहां रोशनी जल देने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार अगले 30 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुसलमान यादव मेरे साथ नहीं, कोई मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, इंसानियत की बात होती है, विकास की बात होती है, इसमें कोई जात पात नहीं। कहा आजादी की लड़ाई लड़ने में हम लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, जिस जंगल राज को जो है लालू यादव ने और उसके पहले लोगों ने न्याय और न्याय का काम करके करने का काम किया था, उसको नीतीश कुमार न्याय के रास्ते पर विकास को जो है चलाने का काम किया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवराज इंद्र हुआ सर। वोट डालते हैं आप? जी वोट डालते हैं, लेकिन मेरा वोट में नाम आ गया है, हम इस बार डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सोच के डालिएगा वोट आप? क्या सोच के डालेंगे, किसी पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, वोट कैसे डालेंगे? किसी पर नहीं हो रहा है, किसी पर विश्वास ही नहीं होता है। जो भी नेता आता है इलेक्शन का 6 महीना बसता है तो सब पब्लिक का नज़र आने लगता है, गोर लगने का मतलब जानते हैं, ये काटेंगे वोट दीजिए अगला बेर काटेंगे, सब इलेक्शन होता है सब सोच जाता है। आपके लिए काम नहीं करते हैं, काम नहीं डालते हैं आप? हाँ डालते हैं। क्या नाम हुआ? मणिलाल संदीप। क्या लग रहा है इस बार माहौल खगड़िया का? यहाँ NDA की जीत होगी, NDA की सरकार बनेगी। NDA के काम हुआ है नीतीश कुमार के राज में? हाँ उतना काम हुआ है कि साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, जिसमें महिलाओं के प्रति भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और पुराना जो शासन था पहले का वो लाठी में तेल पिलाने वाला शासन, जो पूरा मारपीट जंगल राज वो सब नहीं है, अभी कलम और कंप्यूटर का जमाना है, और उस हिसाब से हमारा ये राज्य और देश आगे बढ़ रहा है, और ऐसी इस तरह की सरकार रहेगी तो आगे और अच्छा विकल्प जो है युवाओं सबको मिलता रहेगा और शिक्षित होते रहेंगे, नहीं तो उस समय जो है सुरक्षा की स्थिति काफ़ी ख़राब रहती थी। क्या नाम आपका? अजय कुमार है। आपके लिए काम हुआ है खगड़िया में, लग रहा है आपको काम किया गया है NDA सरकार में? हाँ काम किया है, NDA सरकार में काम किए हैं। पूनम यादव के कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश हैं, बस उसी का सरकार बनेगा, उन्हीं को जिताना है। सर जीत रहा फिर से? हाँ फिर से वो जीतेंगे। आप लोग साथ हैं? हाँ हम बहुत साथ हैं, हम लोग साथ हैं, युवा साथ है उसका, युवा साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंटुन कुमार शाह है। वोट डालते हैं आप? जी। क्या लग रहा है माहौल, किसको डालिए? बहुत अच्छा, नीतीश कुमार जी बहुत जितना बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं ना, बहुत खुश हैं हमें। आप लोग खुश हैं? जी।
ऐसा मुख्यमंत्री जिंदगी भर चलना चाहिए। तो महागठबंधन के साथ नहीं आप? नहीं, हम लोग पूनम यादव के साथ हैं। पूनम यादव के साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजकिशोर सहनी हुआ। क्या लग रहा है खगड़िया का माहौल, कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ खगड़िया इस विधानसभा ही नहीं बल्कि खगड़िया जिला के चारों विधानसभा से एनडीए जीतेंगे। एनडीए क्यों जी? क्योंकि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि हमारे हम लोग निषाद समाज से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग निषाद समाज के हमारे नेता सनोमल्ला मुकेश सहनी जी हैं और जिनके साथ महागठबंधन के जो भी बढ़िया नेता है, जो मुखिया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने धोखा दिया, खंजर भोंकने का काम किया। आज उसी का बदला निषाद समाज एक एक वोट अपना देकर और अपने सगे संबंधी और अपने बगल के लोगों को प्रभावित प्रेरित करके डलवाने का काम करेंगे और एनडीए को जिताएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जल निकाय संरक्षण अभियान के तहत हमारे समाज के जो भी लोग मछुआरा जलकर में मछली मारने का काम करते थे, जलकर जोतने का काम करते थे, जो अतिक्रमण हो चुका था, जो दबंगों के द्वारा छीन लिया गया था, आज वह वापस हुआ है। इसलिए हम लोग पूर्ण रूपेण सनोबल्ला मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं। साफ तौर से आपने सुना कि खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपनी राय रखी कि बिहार में किसकी सरकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बन रही है। आपको बताते चलें कि खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से बिहार एनडीए की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार है पूनम यादव और बिहार महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं छत्रपति यादव जी। अभी आने वाले समय बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़ खगड़िया।